हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ एक गोरेटो से, जो हमारा घर के थोड़ा नज़दीकी है। गोरेटो है, वहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड कैंडल जलाने के लिए आए थे। तो यहाँ पर प्रेयर करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए रिफ्यूजी सेंटर। और हमारा घर के सामने सामने जो जो भी टूरिस्ट स्पॉट है वो मैं कवर करने के लिए कोशिश करूँगी। देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं, ये है चित्रे बाज़ार, ये इसके नीचे एक टी गार्डन है, वहाँ पर टूरिस्ट सब आते हैं, घूमते हैं, पिक्चर्स लेते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं रिफ्यूजी सेंटर। ये मेरा शायद लाइफ का सेकेंड टाइम होगा। दार्जिलिंग में होके भी हम लोग नहीं आते घूमने के लिए, तो अभी मैं आई हूँ हस्बैंड के साथ में यहाँ पर घूमने के लिए। तो आप लोग देख लेना कि क्या क्या होता है। तो स्टे ट्यून। यहाँ पर वो लोग ना खुद से ही वो थ्रेड बनाते हैं और सेल भी करता है, और वो थ्रेड से ही जितना भी सामान होता है, बैग, शॉल, जो जो भी बनता है, वो सब इधर ही बना के वो सब सेल करते हैं यहीं पर भी। यहाँ पर सब वो लोग हाथ से करते, तो देखने में अच्छा लगता है सब हैंडमेड थिंग्स। वो तो बस चाय बना के वो डाला था। क्या डाला था? आपका बैग कहाँ से लिया? मैं दार्जिलिंग गई हूँ। दार्जिलिंग बारे ले हो? हाँ, बाजार बड़ा। इस तो हमने बुंचा नहीं है। इस तो बुंचा। मैंने मत्थी इस तो वो बड़े लेको टीबीटेन दुकान बड़े लेको मत्थी एसबीआई को आकरी। हाँ हाँ, यहाँ बुंचा नहीं इस तो टाइप बड़ो है। ये हुल रहे हुल रहे सा अब पूरा राम तो सता एकदम पक्का था राम तो सा हमरे चोला इनर बनो सा। हाँ, इस तो टाइप बड़ो ये चोला इस तो फेटा ही हो ये तो यो कलर बोलेगा आप उस कलर को इसके बाद डालो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चोला चीनी हाल चाहे बनाने ले चीनी हाल चाहे तब इस की कौन बाको हमने ये तो बनो ये चाहे खास में की बना को ये जोला बना जोला बना को ये लामो बनो जो नहीं तो काटे रहते हैं वही कर सा लामो काटे रहते हैं प्याटर्न चाहिँ कसरी हुन्छ तपाईँहरूलाई बनाउनु? हामीले बनाउँदा टेलरिङमा पनि टेलरिङमा पनि यो बनाएकोमा मैंने भी ऐसे एक हैंडमेड बैग लिया था, और वो कैरी किया था, और वो उसने पहचान लिया और वो बोल रहा था कि कहाँ से लिया, हम लोग भी ऐसे बनाते। तो मैंने उससे बोला कि हाँ, मैंने भी ऐसे टिबेटन स्टोर से लिया है, बहुत अच्छा है। उन लोगों का हैंडमेड का जितना भी ऐसे बैग वो सब होता है, चीप भी होते हैं और बहुत अच्छा भी होता है लेने में। तो यहाँ पर फिर दूसरा यहाँ पर देखा तो ऐसे ही घुमा के साउंड निकल रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मेरे हस्बैंड का भी कुछ देर तो आया, उसके बाद फिर नहीं आया। तो फिर मम्मी के लिए एक शॉल लिया और मेरे लिए एक बैग लिया, क्योंकि मुझे ऐसा वाला बैग बहुत अच्छा लगता है, बहुत पक्का भी होता है और स्टाइलिश भी होता है। तो उसके बाद में फिर हम लोग बाहर यहाँ पर वो फ़ोटो एग्जीबिशन म्यूजियम टाइप ऐसा भी था, तो उधर हम लोग निकले। निकलने के बाद वो बटर टी ट्राई किया और मोमोज ट्राई किया, उसके बाद में हम लोग दूसरे सेक्शन में चले गए। कति वर्ष पुग्नु भयो तपाई? 88 आँखा देख्छ? यो बनाउनु भएको? यो चाहिँ रेडी भएको? ये ओल्ड ग्रैंडफादर जो 88 इयर्स का है, फिर भी वो ऐसे काम कर रहा है। मैं उसे पूछ रही थी कि आप इतना ओल्ड हो फिर भी आपको दिखाई देता है? वो बोल रहा है हाँ, दिखाई देता, हम लोग ये करते बोल रहा है। तो बातें करके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर एक ओल्ड ग्रैंडमदर वो पेंटिंग कर रहा था, और वो पेपर वो लोग अरुणाचल से लेके आते, वो नेचुरल हैंडमेड पेपर है। और उसके बाद में हम लोग जब रिटर्न हो रहे थे, तो रास्ते में ये रोप वे है,
ओवर क्राउडेड था तो हम लोग नहीं गए, मैंने ऐसे थोड़ा वीडियो ले लिया। और उसके ही सामने ये सेंट जोसेफ स्कूल है, लड़के लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ दार्जिलिंग, तो ये भी देखने के लिए आते हैं बाहर से लोग। जो ये एरिया फिल्म शूटिंग हुआ था तो ये स्कूल है वो। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं और पहुँच गए घर, तो आइए मैं दिखाती हूँ घर पर कौन कौन है, क्या क्या कर रहा है। थैंक यू, वेलकम। खाई उतांग त टाइम पास हुने ले छ, टाइम पास है। नमस्ते भन्दे यहाँ यहाँ त सबैलाई बाई 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 भन्दे, बाई बाई भन्दे, लाइक भन्दे, बाई ओइ सब्सक्राइब भन्दे नि त, सब्सक्राइब भन्दे त, बाई बाई भन्दे, सी यु। तो आज के लिए इतना ही, अभी घर पहुंच गई तो ज्यादा तो दिखा नहीं पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, बाय।